नमस्कार। नया साल पर आप करें ताला चाबी वाला उपाय, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो ऐसे में आज आपको मैं कुछ ऐसे प्रमुख उपाय बताने जा रहा हूं, आपको नए साल पे जरूर करना चाहिए ताकि आपका भाग्य प्रबल हो, भाग्य मजबूत हो। सबसे पहली चीज, यदि आपके काम नहीं बन रहे हैं, पैसे से आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, पैसा आपके पास नहीं आता है, तो नए साल पर आप एक काम करिए, किसी भी बुधवार के दिन किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे किन्नर मौजूद हो, किन्नर जहाँ पे मौजूद हो उनसे एक रुपया किन्नर से आप ले लीजिए, बदले में उसको 10 या 11 रुपया या 21 रुपया जो आपकी श्रद्धा है वह आप दे दीजिए, और वह एक रुपये का सिक्का आप अपने पर्स में रख लीजिए। ये ध्यान रखिए, वह सिक्का आपको खर्च नहीं करना है, जब तक वह सिक्का आपके पास बना रहेगा धन की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय, गुरु पुख योग मुहूर्त में या रवि पुख योग मुहूर्त में आपको एक काम करना है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, एक कोई पत्ता जो टूटा पड़ा हो, पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे भी आप जा सकते हैं, जो पत्ता टूटा पड़ा हो वह पत्ता आप घर पे ले आइए, उस पत्ते की आप पूजा अर्चना करिए, पूजन स्थल में रख दीजिए, थोड़ी देर रखा रहने दीजिए और उस पर लिख दीजिए ओम, या आप उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए, 4 बिंदी जिस तरीके से लगाई जाती है स्वास्तिक पर वो लगा दीजिए, और शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो कुबेरिया के टाइम आप वह पत्ता उठा करके अपने गले में रख दीजिए, जब तक वह पत्ता आपके गले में रखा रहेगा, धन रखने वाले स्थान पर रखा रहेगा, पैसा आता रहेगा, और जब यह पत्ता सूख जाए तो यह पत्ता उठा करके आप फिर जो है उसी पेड़ के नीचे रखाइए और ताज़ा पत्ता ले आइए, खाली मुहूर्त का आपको ध्यान रखना है। इस उपाय से धन की कमी आपकी दूर होती रहेगी। यदि घर में सुख संपन्नता नहीं है, दरिद्रता छाई हुई है, आपसी कलेश रहता है, वैचारिक मतभेद सभी में रहता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, बुधवार के दिन गणेश जी की एक ऐसी तस्वीर ला करके अपने घर के अंदर लगाइए जिसका मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, गणेश जी के पीठ की तरफ दरिद्रता होती है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। यह उपाय भी घर में सुख समृद्धि देता है, आर्थिक लाभ देता है। अगला प्रयोग, शनिवार के दिन यह प्रयोग आपको करना है, एक शमी वृक्ष की छोटी सी लकड़ी आप तोड़ करके ले आइए, उसको पान के पत्ते में लपेट लीजिए और पूजन स्थल पर रख दीजिए, उसके बाद धूप दीप करिए, उसके बाद यह टुकड़ा आप उठा करके गले में रख दीजिए, या आप उस जगह पर रख दीजिए जहाँ पे आप व्यवसाय करते हैं वहाँ पे गले पे रख दीजिए, जब तक यह टुकड़ा रखा रहेगा धन की कमी आप महसूस नहीं करोगे। अंतिम प्रयोग आपको मैं ताला चाबी वाला बता दूँ, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य में बार बार बाधाएँ आ रही हैं, काम नहीं बन रहा है, व्यवसाय से आप परेशान हैं, नौकरी से परेशान हैं, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, महादशा या अंतरदशा से शनि की परेशान है, तो यह उपाय बड़ा गजब का है। शुक्रवार के दिन आप नज़दीक में किसी बाजार चले जाइए और एक छोटा सा लोहे का ताला खरीद लीजिए चाबी के सहित, ताला आपको खोल के नहीं देखना है, आप घर पे ले आइए, शुक्रवार को लाना है, और उसके बाद शनिवार को प्रातःकाल आप जल्दी थोड़ा स्नान वगैरह कर लीजिए और जा करके किसी मंदिर में वह ताला रख देना है। ये ध्यान रखिए, ताला रखने से पहले अपने ऊपर से उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लीजिएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चले आइए, जैसे ही कोई व्यक्ति मंदिर में जाएगा वह ताला खोलेगा, आपका जो भाग्य बंधा हुआ है, साथ नहीं दे पा रहा है, वह साथ देने लगेगा। यह उपाय आपको माह में एक बार करना है, छोटा सा उपाय है, 10 रुपये का ताला आता है, आप करिए, भाग्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं या शनि जन्य जो भी आपको पीड़ा हो रही है वह आपकी तुरंत समाप्त होने लगेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।